मार्गशीर मास शुक्लपक्ष द्वादशी तिथि रे पालित तो होइथिला पवित्र व्यंजन द्वादशी। द्वापर युगरे माता जशोदा निज प्रिय पुत्र श्रीकृष्णक उद्देश्य रे अनेक प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करि तांको आप्यायित करिथिले। माता पुत्रक मध्यरे सृष्टि होइथिबा एहि पवित्र परंपरा को स्मरण करि एहा उत्कलर समस्त मठ मंदिर रे एहि तिथि को महा आनंद उल्लास सहित पालन करा जायछि। भुवनेश्वर स्थित प्रसिद्ध श्री राधा वल्लभ मठरे अनुरूप भावरे एहि मठर महंत श्री रामकृष्ण दास महाराज प्रत्यक्ष तत्वावधान रे पालित हो जायछि। मठर वरिष्ठ सेवायत श्री सत्यशिवनंद देवदत्त दास धनेश्वर पंडा कार्तिक पाढ़ी हिमांशु मिश्र लक्ष्मीनारायण कर हिमांशु शतपथी केदारनाथ पुष्पाक वीर प्रतीक शतपथी और श्री हरिबोल बाबा समेत मठर समस्त सदस्य मान द्वारा एक विशेष सेवा प्रदान एथिलागि प्रातः काल श्री राधा वल्लभ निकटे मंगल आरती सह समस्त नीतिकांति आरंभ हो जाइथिला। सेहिपरि मध्याह्न समय समस्त नीतिकांति उपारंते प्राय 74 प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करा जाय महाप्रभु श्री बाळगोपाळ निकटे पुष्पार्घ्य अर्पण करा जायथिला। परे परे ए व्यंजन गुड़ी को बाळगोपाळ सम्मुखरे सुसज्जित करा जाय भोग नैवेद्य प्रदान सह आळती प्रदान करा जायथिला। एहा परे मठ परिसर रे उपस्थित समस्त साधु संथ एवं शताधिक आबाळ वृद्ध बनिता को महाप्रभु निकटे समर्पित एहि दिव्य प्रसाद गुड़ी को बंटन करा जायथिला। समस्ते अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति भाव रे ग्रहण करी निजकु सौभाग्य मानिथिले। मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि हेउजी व्यंजन द्वादशी तिथि तेणु यही तिथि रे विभिन्न प्रकार व्यंजन रे महाप्रभु को नैवेद्य समर्पण करा जाए। तेणु ये समर्पण दीर्घ दिन रु रही आसी ये परंपरा विगत द्वापर युगर माँ जशोदा भगवान श्रीकृष्ण को यही तिथि रे ही विभिन्न प्रकार व्यंजन प्रदान कर आप्यायित करते से परंपरा हिसाब से आमे ताकु पालन करुचु एवं आम राधावल्लभ मठ भुवनेश्वर परिसर रे मध्ये ए कार्य संपन्न होइछि। भक्त माने मध्ये ताकु महाप्रसु प्रभु प्रसाद पाई से मध्ये आनंद सहित एठो विदाय नैछन्ति। जय जगन्नाथ। मु सत्यशिवानंद प्रभु राधावल्लभंकर मु हेउछि चरण सेवक। आज व्यंजन द्वादशी उपलक्षे सकाळु सकाळु पहर खोला जाय महाप्रभुंको पंचामृत स्नान करा जाय मंगल आरती करा जायतिला। ता परे परे 70 रु ऊर्ध प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करा जाई महाप्रभु उद्देश्य रे अर्पण करा जायतिला। अन्न डाली बेसर डाली डालमा साग महुर पांपड़ मिठा फल इत्यादि ये सब पदार्थ विभिन्न प्रकार स्वादिष्ट व्यंजन सहित फल एवं विभिन्न प्रकार अन्न नैवेद्य महाप्रभु को अर्पण करा जायतिला। समस्त भक्त माने एठारे बहु संख्यार भक्त माने आसी प्रसाद सेवन करथिले प्रसाद सेवन करी निजकु धन्य मन करथिले। जय जगन्नाथ। भुवनेश्वर अक्षय दास को रिपोर्ट न्यूज 11 ओडिया।